वेल सुमित, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, लाइफ चेंजिंग लर्निंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। 2016, 17, 18, 19 में ज़्यादा भर निकला, इसलिए अगर कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल पास में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ था। नहीं, अपन नहीं जानते थे कि पहले इन्फॉर्मेशन ही सारे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन का ही गेम है, जिसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है उतना ही ज़्यादा वो होता है। तो खैर, मैं तुम्हें कुछ चीज़ बता दूँ। हमको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो हमारे आस पास हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमें क्या है। जैसे अब यहाँ देखो कि कितनी कैटेगरीज, रेस्टोरेंट, पेट्रोल, ATM, शॉपिंग सेंटर्स, होटल्स, केमिस, कॉफ़ी, मोर। ठीक है, मोर पर क्लिक करोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि ऑल थिंग्स टू डू, पार्क्स, जिम्स, फिल्म, आर्ट म्यूजियम, राइट लाइफ, ग्रॉसरी, शॉपिंग सेंटर, ब्यूटी सप्लायर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार डीलर, सपोर्टिंग गुड्स, होम गार्डन्स, कन्वीनियंस, क्लोथिंग वगैरह 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 वगैरह। यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें मिलेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज यहाँ पे होटल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पेट्रोल, ATMs वगैरह वगैरह वगैरह। सी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक पता पड़ जाएगी किस टाइप की चीज़ कैटेगरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ढूंढना है लाइब्रेरीज नियर बाई मी, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा लाइब्रेरीज नियर बाई मी। माई नियर बाई मी जैसे मैं डालूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारी लोकेशन वो कर लेता है और ये बता देता है। फॉर एग्जांपल देखो, 750 मीटर सिर्फ पैदल, मैं यहाँ पैदल जा सकता हूँ, इतनी पास लाइब्रेरी है, है ना। ये इंदौर लाइब्रेरी, एक 1.6 किलोमीटर वाली इंदौर लाइब्रेरी है, और एक ये, दो इंदौर लाइब्रेरीज खुली हुई हैं, एक प्रभात पेट्रोल पंप पे और एक ये यहाँ पे। तो ठीक है, तो तुम इस तरह से तुम देख सकते हो, है ना। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि देखो, जब हम सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो एक टैब बन के आता है, एक पूरी रो बन के आती है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो वैसे हर बार ये मोर फिल्टर्स का ऑप्शन नहीं आता है जहाँ पे लिखा हुआ है, बट जैसे ये लिखा था तो विदिन 1.6 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। मोर फिल्टर्स में तो यहाँ पे सारी चीज़ें कर ही सकते हो, है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ना इंदौर लाइब्रेरी दो है यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि तुम इसको थोड़ा वो करो। जैसे विदिन 1.6 किलोमीटर को विदिन 2 किलोमीटर करोगे तो ये और भी आ जाएंगे। अब देखो वो हट गई, है ना, वो हट गई, एम पॉइंट आ गई 2.3 किलोमीटर में, और वो लाइब्रेरी हट गई जो तुमको विदिन 1.6 किलोमीटर में मिलने वाली थी। अब विदिन 1.6 किलोमीटर करोगे तो ये आ गई, है ना। तो इस तरह से तुम्हें ये यहाँ पे ये जो लगा हुआ ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कई बार होता है हमें पेट्रोल भरवाना होता है, हमें मिल नहीं रहा होता है। अब एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने घर से देखें, कहीं भी हम अटक गए, कहीं भी हम अनजान जगह पर हैं, तो पेट्रोल नियर बाय मी, ठीक है, बस एक बाउंड्री है कि तुम्हारा प्रॉपरली वो खुला हुआ होना चाहिए और तुम्हारे ऐप के पास सारी की सारी परमिशन होनी चाहिए, लोकेशन परमिशन स्पेशली। यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ कि ऐप परमिशन में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे लोकेशन दिख जाएगा, लोकेशन परमिशन ऑन है, ये अपने ब्राउज़र में हमेशा ऑन रखना। और ब्राउज़र के थ्रू जाओगे तो बेहतर होगा कि यहाँ पे सीधा लिस्ट ही दिखा देता है, और ये मीटर्स भी दिखा देता है कि कितनी पास में तुम्हारे, 850 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जो है ये, और ये डायरेक्शन कॉल ये सब भी दिखा देता है। तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पेट्रोल भरवाना है, तो मैं मेरी गाड़ी, अब मैं कहीं अरेरा कॉलोनी में कहीं पर हूँ, ठीक है, अरेरा कॉलोनी पे मैं कहीं पर हूँ और मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, और मुझे दिख रहा है कि मेरे गाड़ी में मुझे पेट्रोल डलवाना है, तो मुझे नियर बाय, मैं लोकेशन ऑन करके मैं अपना पेट्रोल देखूँगा नियर बाय मी, और मैं डायरेक्शन पे जाऊँगा। जैसे मैं डायरेक्शन पे जाऊँगा मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं वेट करता हूँ, वो दूसरे मैप पे डायरेक्ट करेगा, ऐप पे डायरेक्ट करेगा, ठीक है, दबाने के बाद थोड़ा डायरेक्ट करेगा, तो वेट करना। सी जैसे वेट किया तो ये इसने ऐसे दिखा दिया ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टू व्हीलर, ट्रेन, बस, अब जब इतनी पास में हमें देखना है, तो हमें सिर्फ वॉकिंग पे रहना चाहिए हमेशा, ठीक है, वॉकिंग। इवन बहुत सारी जगह पे टू व्हीलर्स भी नहीं जा पाते, तो वॉकिंग पे रखो, और वॉकिंग पे रखने के बाद तुम देखो, वॉकिंग पे करो, टू व्हीलर पे करो, आई थिंक थोड़ा सा तो डिस्टेंस फर्क फिलहाल तो नहीं आ रहा, बट आता है, जनरली आता है। तो जैसे ही आ जाए तो फिर स्टार्ट कर दो, और फिर तो जो है तुम आराम से पेट्रोल पंप, यूनाइटेड सेल्स एंड सर्विस, कॉल मी बी क्लू बाय टाइम यू अराइव टुवर्ड्स सुभाष रोड, री एंटर करें।
तो ये बहुत पास में है ना, ये अपन दिखा दिया किरानपन पैलेस गोल्डन वो, और अपन जाएंगे तो ये अपना चेहरा भी सेट है। और सैटेलाइट मैप दिखा दोगे तो ये और भी बेहतर है ना, तो तुम्हें और भी अच्छे से पता पड़ जाएगा। तो इस तरह से तुम कर सकते हो, जैसे अब जैसे तुम्हें मात्र 350 मीटर पर मिल गया, उसी तरह से एटीएम्स में भी ये चीज़ अप्लाई होती है ना। अब तो बस तुम्हें एटीएम चाहिए कोई, तो तुम एटीएम देख लो नियर बाई एटीएम, तो तुम्हें मिल जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ता है, तुरंत मिल जाता है। 40 मीटर की दूरी पर कैनरा बैंक का एटीएम है, और 140 मीटर की दूरी पर पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। तो एटीएम तो हमें कोई मिल जाता नहीं है, बट मेक श्योर कि यहाँ पे तुम जो सेटिंग में जाके सेटिंग में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे तो हम डिस्टेंस करके कुछ छोड़ा, देखो डिस्टेंस यूनिट को तुम किलोमीटर्स में रखना, ऑटोमेटिक मत रखना, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से तुम कुछ भी, अब हॉस्पिटल, नाइट लाइफ, बार, एनीथिंग एनीथिंग यू कैन गेट, हॉस्पिटल्स नियर बाई मी, जैसे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना है किसी को, जैसे बहुत बार होता है ना हॉस्पिटल ले जाना होता है किसी को, हॉस्पिटल नियर बाई मी नाउ, तो ये इस तरह से तुम करोगे। अब यहाँ पे फिर से ये विद इन 1.6 किलोमीटर आ गया, और मोर फिल्टर्स आ गए, तो विद इन 1.6 किलोमीटर करो। जैसे तुम विद इन 1.6 किलोमीटर करोगे, देखो कि तुम 93 मीटर्स की दूरी पर रोशन हॉस्पिटल है, ठीक है। डॉक्टर नेहा जैन IVF कॉल सेंटर एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 160 मीटर की दूरी पर है। श्रीजन हॉस्पिटल 350 मीटर की दूरी पर है। श्री शुभ हॉस्पिटल 450 मीटर की दूरी पर है। इस तरह से तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी हम अटक जाते हैं, पूरी दुनिया में हम कहीं भी अटक जाते हैं, तो हम अपने आसपास ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे रुकने के लिए होटल चाहिए और मैं जस्ट एक जगह पर हूँ और मुझे नहीं मालूम कि वो जगह कौन सी है, तो होटल नियर बाय मी, तो ओयो, वाह बोयो है मेरे पास, मूनलाइट होटल 290 मीटर्स की दूरी पर है, और इवन प्राइस भी बता रहा है। तो मोर फिल्टर्स में जाएंगे, 800 मीटर, 800 मीटर में मिल रहा है, तो 1.6 किलोमीटर की अप्लाई करना, 800 मीटर, 290 मीटर के पास ओयो के होटल्स हैं। ओयो के होटल्स बहुत फेमस हैं, पूरी की पूरी चेन है, पता है। इन फ्रंट ऑफ अप्सरा टॉकीज, शहनशाह गार्डन, अशोक गार्डन, भोपाल। इसका किराया भी लिखा है, फ़ोन नंबर भी लिखा है, 1574। अवेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, 1 नाइट का यहाँ पर 20 तारीख का यहाँ पे अवेलेबल है, 1200 और 1950 में, उसमें अवेलेबल है, फ्री वाईफाई, फ्री पार्किंग, ये सब चीज़ें हैं। ये ओयो होटल्स, हाँ यार ये तो मैंने सुना है, तो मेरे घर के बहुत पास में है एक्चुअली, ये वो बिल्डिंग है, दिखाई तो हाँ, जहाँ पे पहले वो था, पता नहीं कौन सी फोटो दिखा है बाय ओनर, फोटोज़ दिख जाएंगे कि अंदर कैसे फोटोज़ हैं। बेसिकली ये है वो मेनली, तो मैं गया हूँ यहाँ पे ओयो, ठीक है। इस तरह से तुम देख सकते हो, जहाँ भी तुम दुनिया में, पूरी अर्थ पे तुम कहीं भी हो, कहीं भी अटक जाओ, कुछ भी चाहिए तुम्हें, तुम वो कर सकते हो, है ना। रेस्टोरेंट्स नियर बाय मी, एनीथिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे करना चाहते हो, तो दैट इज़
पॉसिबल हेयर एज वेल इन मैप्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में जाते हो, जैसे तुम रेस्टोरेंट पर क्लिक करोगे, थोड़ा वेट करो एंड देन यू विल सी, यू विल फाइंड अ रेस्टोरेंट बाय यू, है ना. तुम्हें बस लिस्ट देखनी है. सो वेट, मतलब यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी सेटिंग मिली कि नेविगेशन सेटिंग में, नेविगेशन सेटिंग में अगर तुम सेटिंग में जाके नेविगेशन सेटिंग, यहाँ पे तुम जाओगे सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे फिर तुम नेविगेशन सेटिंग में जाओगे, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना. यहाँ पे नेविगेशन सेटिंग में जाओगे, नेविगेशन सेटिंग में लाउडर कर दो, ब्लूटूथ में भी चलनी चाहिए आवाज़ वगैरह वगैरह. यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, इस तरह से कर दोगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है, तो एक्सप्लोर में जाओ. देखो कई बार जब ये सेटेलाइट उसमें आ जाएगा तो यहाँ पे सेटिंग में जाना, और यहाँ पे यहाँ देखिएगा ये इसको, जब जैसे मारे तुम सेटेलाइट व्यू में देख रहे हो इसको, ये ऑन नहीं होगा तब, है ना. सेटेलाइट व्यू में तो ऑन नहीं होगा, तो जैसे भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सेटेलाइट व्यू में, है ना. मतलब कई बार यहाँ से भी हम उसको सेटेलाइट व्यू में कर सकते हैं कहीं सेटिंग आसपास से, तो सेट जाना. भले ये ऑफ दिखे और सेटेलाइट व्यू, स्टिल एक बार ऑन करके ऑफ कर देना, ऑन करके एक बार ऑफ कर देना. ठीक है, तो फिर ये नॉर्मल आ जाएगा. ठीक है, नॉर्मल उसमें आ जाएगा. तो हम मोर क्लियरली हम देख सकते हैं कि कहाँ रोड से गए, फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं आसपास जो जो भी है इसमें. सारी चीज़ें ना दिखाएं जैसे बन चाहते हैं, एक बस बंद करना और फिर दोबारा चालू करना. ठीक है, तो ये फिर वैसे दिखाने लगेगा, दिखाने लगेगा. तो यहाँ पर हमको रेस्टोरेंट चाहिए अपने आसपास, उस पर किया थोड़ा वेट किया, वेट किया, फिर सारी लिस्ट देगा कौन सा रेस्टोरेंट है आसपास. अब जैसे 60 मीटर में, 60 मीटर में है पॉली, मेरा स्वीडिश किचन जो पंजाबी ढाबा 150. फॉर एग्जाम्पल उस दिन अपन प्रभात के साथ थे 2018 में, और अपन ढूंढ रहे थे कि आसपास खाने की बेहतर जगह कौन सी होगी, याद है. तो अपन को दिख नहीं रही थी, तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे. हम 2 घंटे तो हमने ढूंढने में निकाल दी, फिर अल्टीमेटली हम ठेले में एंड हुए. पर जब एड्रेस तो नहीं पड़ेगा डेफिनेटली, अगर तुम तो लिखोगे ऐसे रेस्टोरेंट नियर बाई मी, रेस्टोरेंट नियर बाय मी, रेस्टोरेंट नियर मी लिख दोगे उसके बाद ये फिर ये विदिन 400 मीटर्स आ जाएगा. यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो चूज एरिया करके जो ऑप्शन आता है ना, इसमें रिफ्रेश माई लोकेशन कर दो. जैसे तुम रिफ्रेश लोकेशन कर दोगे, फिर विदिन 400 मीटर्स कर दो, यू विल गेट एवरीथिंग विद इन 400 मीटर्स. मैंने कर दिया, और अब हम देखेंगे कि विद इन 400 मीटर्स मेरे पास 160 मीटर्स पे अमन किचन है, और 150 मीटर पे मेरे पास पॉली मेरा स्वीडिश किचन है, लकी नूडल सेंटर है 100 मीटर की दूरी पर, है ना. केरला रेस्टोरेंट जो मेरे घर के पीछे ही है 180 मीटर, आम योगेश विश्वकर्मा मिमिक्री आर्टिस्ट इन भोपाल. है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हमें दिख जाएंगी. ठीक है, रेस्टोरेंट देखना है ऐसे तो दिख ही जाता है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या अभी खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है. अभी खुला हुआ तो वो बताओ, अभी जैसे रात को 2:30 बजे कोई नहीं खुला होगा वैसे तो. वैसे हम मतलब कैटेगरीज हम कुछ भी होता है ना, कुछ भी है, लाइक रेस्टोरेंट है, मतलब वॉट एवर वी लाइक, यू नो वॉट एवर. हमको ये चीज़ चाहिए, पेट्रोल पम्प, ATM, ये इम्पोर्टेंट, शॉपिंग, होटल्स, केमिस्ट, कॉफ़ी, मोर. यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है ना. यहाँ पे ऊपर भी वो दिखी गई है, जैसे शॉपिंग करनी है क्या करना है, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है. जैसे मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे कपड़े खरीदने के लिए, क्लोथिंग के लिए मुझे शॉप जगह चाहिए, तो मुझे आसपास बताओ क्या हरी यहाँ पे है,
आसपास ये सब तो खैर दिख भी जाता है। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पार्क्स, पार्क्स मुझे पता करने की पार्क्स कहाँ पर है आसपास यहाँ पे। पार्क्स, पार्क्स में जाऊँगा तो जैसे मैं पार्क्स पर क्लिक करूँगा तो मुझे अशोकगढ़ पार्क मिल गया है 218, गुरु गोविंद सिंह पार्क 140 मीटर की दूरी पर, गुरु गोविंद सिंह पार्क है 1.1 किलोमीटर की दूरी पर, सम्राट कॉलोनी पार्क है ठीक है 800 मीटर्स की कॉलोनी पे पार्क है, श्री एम पी, ये मेट्रो का वीडियो आ के रखा है। इस तरह से तुम कुछ भी देख सकते हो ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग है। अभी तो हम फंसे हुए हैं और तुम्हें जाना है लाइब्रेरी पढ़ने जाना है, तो वहीं पे नियर बाई लाइब्रेरी में सर्च करो और पहुंच जाओ।